उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक ओर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ के सुर बगावती होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही उनके इस्तीफे देने की चर्चाएं तेज हो चुकी थी। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं भी सामने आई। अब प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के दिल्ली जाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के बाद पार्टी में हलचल हो चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि उन्हें भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से पूरी उम्मीद है और अगर राष्ट्रीय स्तर से कोई निर्णय नहीं होता है तो पार्टी से बाहर हमारा भी संगठन है, हम उसमें निर्णय लेंगे। हालांकि काऊ ने इसे अपने परिवार का मामला बताया है, लेकिन काऊ के इस बयान ने सियासत में हलचल पैदा कर दी है। साथ ही अनिर्णय की स्थिति में उनके अलग संगठन को लेकर दिए गए बयान के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काऊ की नाराजगी से इनकार किया है। गौरतलब है कि मालदेवता में एक कार्यक्रम के दौरान विधायक उमेश शर्मा और भाजपा नेताओं के बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की उपस्थिति में तीखी तकरार हुई थी। पार्टी ने मामले की जांच प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार को सौंपी थी। इसके बाद काऊ दिल्ली पहुँच गए, जहाँ उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर अपनी व्यवस्था जो व्यथा थी उसे सुनाया। वहीं भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने से जब सवाल किया गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि लगातार पार्टी उनसे बात कर रही है, वो पार्टी के पुराने नेता हैं। इस पर प्रीतम सिंह ने कहा कि पुराने और नए का प्रश्न नहीं है, राजनीति में हर वक्त दरवाजे खुले रहते हैं, जब वक्त आएगा तो हर बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। हमारे पुराने साथी हैं, हमेशा बात होती है, हमारा सबके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और राजनीति में तो आना जाना लगा ही रहता है। जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। मेरे परिवार का मामला है, परिवार उस पर जो भी निर्णय करे, हमने तो कहा कि हमारे साथ 5 साल से ये परिस्थितियाँ चल रही हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके, अब आपके पास आए हैं, अब निर्णय आपको करना है। और बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए हमने उनका आभार भी किया, सबका धन्यवाद किया। अब जो भी निर्णय है वो राष्ट्रीय स्तर से लेना है, अगर कोई निर्णय नहीं होता फिर हमारा एक अपना संगठन है, ग्रुप है हम लोग, वो सब मिलके तय। नहीं नहीं, कोई नाराज़गी उनकी होगी तो उन्होंने बता दिया है, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं, मैंने उनसे बात कर ली थी और हम लोग बैठ के उसको मामले को देख लेंगे। नहीं बिल्कुल, हम सब साथ हैं, देखिए चाहे काऊ भाई हो चाहे हम सब लोग साथ हैं और बहुत हमको अब राजनीतिक लालसा भी नहीं है, लेकिन अगर किसी की उपेक्षा होती है, किसी को अपमान किया जाता है तो हम सब लोग साथ हैं, काऊ भाई के साथ हैं बिल्कुल, कंधे से कंधा में। जब वो हमारे साथ उस बुरे दौर में, मेरे एक अनुरोध पर एक बार मैंने उनसे कहा कि भाई हमें कांग्रेस छोड़नी है और अब कांग्रेस में नहीं रहना है, उन्होंने मेरे एक अनुरोध को स्वीकार किया। तो आज ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि, या हमारे और साथियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ या किसी और के साथ भी कोई अन्याय हो तो हम आपस, हालांकि देखो हम भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन किसी भी परिवार के सदस्य के साथ कोई अन्याय होता है तो उस पूरा परिवार साथ देता है। नहीं, हमारे पुराने मित्र हैं और हम अपने मित्रों से लगातार मिलते रहते हैं, हमें क्यों दुख नहीं हो रहा, हमें तो दुख है। नाराजगी के बाद मुलाकात होती है? नाराजगी के बाद नहीं, हमारी तो रोज मुलाकात होती है भाई, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, तो मुलाकात तो होगी होगी ना, मुलाकात से। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ चीजों को समझाते हैं कि बेसिकली उत्तराखंड की राजनीति में हो क्या कुछ रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में जो बड़ी हलचल है वो है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा दे देना। 2 दिन पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद आज उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है।
चर्चाएं ये चल रही हैं कि बीजेपी में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा कऊ की द्विपक्षीय बात निकलकर सामने आई है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी से बाहर भी हमारा एक संगठन है, वो संगठन चर्चा करेगा, चिंता करेगा। अगर मेरे हक में फैसला नहीं हुआ, काऊ के इस बयान ने सियासत में हलचल मचाई है, क्योंकि संगठन के बाहर एक संगठन है का क्या मतलब है। और अब उस बयान के मायने टटोले जा रहे हैं कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे थे। उमेश शर्मा और भाजपा नेता के बीच तकरार हुई थी, उस तकरार के बाद से लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। मंत्री धन सिंह रावत की उपस्थिति में ये तीखी तकरार हुई थी, जिसके बाद हरक सिंह रावत भी कहीं ना कहीं साथ देते नजर आए हैं। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। कऊ ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेतृत्व को अपनी व्यथा सुनाई है। सीधे तौर पर कहा कि सरकार के 5 साल होने वाले हैं, लेकिन कभी कोई सम्मानजनक स्थिति उनको नहीं दी गई। लेकिन सीएम धामी ने कऊ की नाराजगी पर सीधे तौर पर खंडन कर दिया है। वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें प्रीतम सिंह जी की, तो उनकी तरफ से उनके बयान ने भी एक तरीके से सरगर्मियां बढ़ाई हैं। प्रीतम सिंह ने उमेश शर्मा कऊ को अपना पुराना साथी बता दिया है। उन्होंने कहा कि पुराने साथी हैं और लगातार उनसे बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। राजनीति में दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हर वक्त खुले रहते हैं। प्रीतम सिंह का ये बयान कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सियासत में कई मायने रखता है। लखपत बटोला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में लगातार कई हलचलें देखने को मिल रही हैं। लखपत जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में नाराजगी, कऊ की नाराजगी सामने आई और अब उसके बाद बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा, ये सियासी हलचल क्या कुछ कह रही है? देखिए जी, मैं एक लाइन में तो 2-3 महीने 4 महीने बाद चुनाव के बाद भाजपा की विधायक आप एक चीज को समझ लीजिए, प्रकरण केवल कऊ से जुड़ा हुआ है। ये प्रकरण आप देखोगे ऋषिकेश के अंदर जिस तरह से मेयर और विधानसभा अध्यक्ष के बीच तकरार हुई, आपने देखा ऋषिकेश के अंदर जनता ने विधानसभा अध्यक्ष को जिस तरह से फटकार लगाई, आपने देखा होगा पौड़ी में कोहली के साथ जिस तरह से लोगों ने गांव में घुसने से मना कर दिया, बद्रीनाथ में आपने देखा विधायक के आगे लोगों ने पेड़ लगा दिए थे। तो एक लंबी फेरिस्ट है जिनमें इनके 4 तो नगर निगम के अध्यक्षों पे नोटिस इन्होंने भेज रखा है कि कार्यकर्ता से लेकर विधायक से लेकर मंत्री तक आपस में ऐसे फुटबॉल हो रही है, क्योंकि 4.5 साल भाजपा ने केवल और केवल भ्रष्टाचार लूट कसूट मचाई और न कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया न प्रदेश की जनता का ध्यान दिया, जिसका परिणाम यह है कि आज जो है यहाँ की जनता और इनके कार्यकर्ता स्वयं इनको इनकी एक प्रकार से मैं कह दूं कि इनकी जमीन दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का क्या हाल होगा, इससे आप साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं। लखपत जी क्या समझे, क्योंकि अभी तक तो ये आरोप खासकर कांग्रेस के ऊपर लगता था कि अंदर खेमे लड़ाई चल रही है, अंदर खेमे नाराजगी है, अंतर्कलह का शिकार हो चुका है दल जो है। उत्तराखंड की भाजपा की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, वहां भी क्या अंतर्कलह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए मैं आपसे कांग्रेस की बात कह सकता हूँ, पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में कहीं भी सार्वजनिक रूप से इस तरह का कहीं कोई अंतर्कलह नहीं था और ना है। कांग्रेस एकजुट है, लेकिन पार्टियों में यदि आप कहेंगे कि किसी प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं ने किसी नेता के नारे लगाए किसी नहीं लगाए, तो कार्यकर्ताओं पे पार्टी हाईकमान सबके नारे लगाते हैं और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कहीं भी व्यक्ति पर कोई कलह हो। भाजपा का जहां तक मैं कह सकता हूँ, आप कहिए कि आज से 20 दिन पहले प्रदेश प्रभारी जी कहते हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कहते नहीं नहीं हम धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तमाम मुख्यमंत्री के चेहरे पे भरोसा नहीं है, दो मुख्यमंत्री बदलने के बाद आज परिस्थितियां ये है कि जो वर्तमान सीएम बना है उन पे भी इनको भरोसा नहीं, और उसके बाद प्रभाव और खुल के सामने आई है। आपने देखा होगा हरक सिंह रावत जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन उत्तराखंड के हैं, लेकिन जिस तौर से उन्होंने बयान दिए हैं, जिस तौर से उन्होंने कहा कि हमें भाजपा हाईकमान जिस भरोसे से लेके गई थी वो सम्मान हमें नहीं दिया जा रहा, निश्चित रूप से उन्हें भी लग रहा है कि जो सम्मान कांग्रेस ने दिया एक जमीनी व्यक्ति को, एक जमीनी कार्यकर्ता को कांग्रेस ने कई बार विधायक बनाया, कहीं किसी को बनाया किसी को मंत्री बनाया, लेकिन कांग्रेस अपमान करके चशनी में जाने का काम किया था। आज उन्हें भी लग रहा है कि हम गलत जगह आ गए हैं, गलत हमारा फैसला था
और आज वो चाहे यहाँ के कार्यकर्ता है, चाहे यहाँ का नेतृत्व है, चाहे शीर्ष नेतृत्व है, सबने उन्हें हाशिए पे धकेलने का काम किया है। ये इन्हें भी लग रहा है और मुझे लगता है कि क्योंकि दलों को छोड़ करके जिस तरह से जाने की परंपरा और भाजपा ने शुरू की है तोड़ने का, ये पूरे देश के अंदर समय के साथ साथ ये आप सभी जगह देखेंगे। लेकिन उत्तराखंड में मैं आज कह सकता हूँ कि भाजपा के अपने स्वयं के विधायकों के भी, स्वयं के मंत्रियों के भी, आप देखो जिस तरह से जनता इन लोगों को नकार रही है, जनता इनके प्रोग्रामों का बहिष्कार कर रही है। यहाँ आपको छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि उत्तराखंड को इन्होंने जो कर्जे में डुबाने का काम किया, 66,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश के अंदर इन्होंने खड़ा कर दिया। बेरोजगारी देश के अंदर जो उत्तराखंड में 3-4% बेरोजगारी दर रहती थी, वो सारी देश देश के अंदर लगभग जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। लखपत जी के पास सबसे पहले जाऊंगी। लखपत जी क्या कहेंगे आपको सब कुछ, क्या भाजपा में ओके लग रहा है, ठीक लग रहा है, क्योंकि हालात वो नहीं बयां कर रहे हैं जो अभी तक वो कह रहे थे। मैं प्रदेश की बात कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी के 2017 में उन्होंने कहा था सरकार दीजिए और हम इस प्रदेश को विकास में नंबर एक ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से 4.5 साल में प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर एक पे पहुंच गया है, जिससे महिला उत्पीड़न, इनके 4 विधायक पे बलात्कार के आरोप में महिला उत्पीड़न नंबर एक पे चले गया है। आप बेरोजगारी उत्तराखंड देश में नंबर 2 पे चले गया है। आपने जिस तरह से कुंभ से लेकर आपने कर्मकांड बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार देखा हो, ये सारी चीजें भाजपा के लोग समझे, इन्हें पता है कि जमानत बचानी मुश्किल है। इन लोगों को जनता के बीच जाएंगे, जनता इनके स्वागत के लिए घंटे लेके खड़े है। इसलिए ये जो अंतर कलह जो खुल के सामने आएगा, आप देखोगे 2 महीने में और ज्यादा रूप में भाजपा के लोगों के बीच अंतर कलह सामने आएगा। आपने चाहे आप देखोगे, चाहे ऋषिकेश के मेयर हो, चाहे वो रुड़की के मेयर हो, आप तमाम इन लोगों को नोटिस दे रखा है। प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान और मुख्यमंत्री के बयानों को आप देख लीजिए। उत्तराखंड में भाजपा में आज बयान में अंदरूनी फूट आपको नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक। प्रदीप भटनागर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। प्रदीप जी क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर खेमे की तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरें बहुत से सवाल खड़े कर रही हैं। वो तस्वीरें पूछ रही है कि कैसे आखिरकार एकाएक बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा हो गया। अगर उमेश शर्मा कऊ की बात की जाए, वो नाराज चल रहे हैं। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री मना कर रहे हैं कि नाराज नहीं है, लेकिन खुद आपके वन मंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं। हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि नहीं, वाजिब बात है, अगर कऊ जी पर कोई बात आई तो हम उनके साथ खड़े होंगे क्योंकि वो हमारे फैसले के साथ खड़े थे। असल स्थिति क्या है भाजपा के अंदर की? क्योंकि कुछ होता है नहीं, आप ही बजाता जाता जा अपना मसला। तो थोड़ा सा मैं ये बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ना तो ही पहले, क्योंकि जो मौर्य जी हैं, जो राज्यपाल थी उत्तराखंड की, उनको खुद एक पत्री राजनीति में भेज रहा था और समय भी पूरा हो चुका था, इसलिए राज्यपाल जी को वापस बुला लिया गया। जिसमें कोई ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, ना कोई ऐसा कोई विषय है ना मुद्दा जो उसे बनाया जाए। छोटा सा एक संवाद हुआ था केवल, इस संवाद को ने भी दिखाया था, आपको संवाद जिसे हम आपस में बैठ के निपटा सकते हैं, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और हमारे नहीं, ठीक है, आपको सलाह की जरूरत नहीं है वो अलग बात है, लेकिन काऊ साहब का ये बयान देना कि अगर संगठन ने मेरी बात नहीं सुनी तो संगठन के बाहर भी मेरा संगठन है, वो चर्चा करेगा, वो कौन सा संगठन है? अगर संगठन पर ही सवाल खड़े हो रहे, इसका मतलब है ना कि अंदर खेमे कुछ बेहतर नहीं चल रहा। ऐसा है, कुछ शब्द कह रहे हैं कि बाहर भी संगठन है तो उनका तो बाहर भी स्वागत है। मैं समर्थन नहीं करूंगा, ऐसे कार्यकर्ता नहीं करूंगा, ऐसे संगठन के कार्यकर्ता का जो ये शब्द कहे। बाकी भारतीय जनता पार्टी चले नहीं है, जो समन्वय हमारा था वही चल रहा है। अब जो भी कहे, अब जो आपने भी मुझे स्टेटमेंट बताई, मैं उसका समर्थन नहीं करता। और जो अपना समर्थन समर्थक और समर्थन वहां ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भाजपा में सब दरवाजे खुले भी और बंद। मतलब क्या समझे कि अगर नाराजगी हुई और अगर आपको लगा कि उनकी मांगे वाजिब नहीं है तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जहां से पहले आप लेकर के आए थे वही वापस छोड़ देंगे? नहीं, मैं बता दूंगी, ऐसा है, नाराजगी परिवार में सब कुछ चलता है, मगर वो बैठ के निपटाई जाती है। ऐसे नहीं कि मीडिया के माध्यम से या चीजों से ओपन हो, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने ये चीजें करी है तो उन्हें भुगतनी पड़ेगी, जो भी संगठन का सिस्टम है, उस सिस्टम से अगर अलग कोई चलेगा तो उस पर कार्रवाई नाराजगी सीधे तौर पर देखने को मिली, सबने देखी वो नाराजगी। हाँ,
मैं बाकी कोई चीजों से दो विधायकगणों के बीच में जो हुआ मैंने देखा, नहीं देखा और उस पैसे नहीं केंद्रीय केंद्रीय समिति इससे बहुत ज्यादा चिंतित भी है, जो विषय हुआ है उसको देखा भी जा रहा है और फिर निपटा भी जाएगा ऐसा। ठीक है लखपत जी, केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, देखा जाएगा। और जिस तरीके से कऊ साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं केंद्र नेतृत्व से मेरी मुलाकात हो चुकी है, स्थितियां परिस्थितियां सब मैं बता चुका हूं, अगर मेरे समर्थन में फैसला आया तो ठीक, नहीं आया तो संगठन के बाहर भी मेरा संगठन है उस पर चिंतन किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति होगी। क्या लगता है आपको कि केंद्र नेतृत्व इसको संभाल लेगा या संगठन इसको संभाल लेगा? देखिए टाटा जी, यदि इनके केंद्रीय नेतृत्व का फैसला लेना हो तो 3 दिन गुजर गए हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी नीति की जिसपे विधायक को सरेआम एक छोटा सा कार्यकर्ता जिस तरह से कहता है, जिस तरह से लड़ने भिड़ने के लिए चले जाता तब विधायक जी को कहना पड़ता कि अपने औकात में रहिए, ये तो सबने देखा है। और मैं आपसे एक बात और कह देता हूँ कि यहाँ के जो देहरादून जिस विधानसभा में घटना हुई है, यहाँ के भाजपा के जो जिला अध्यक्ष सीताराम भट्ट जी हैं, इनके पूर्व मंत्री हैं पुरोहित जी हो गए, सीताराम भट्ट जी हो गए, इनके जिला पंचायत सदस्य हो गए, 7 पार्षदों ने मिलकर के एक फैसला लिया है कि विधायक को बाहर किया जाए, नहीं किया जाएगा तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो कि ये जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कहते हैं कि हमारा संगठन महत्वपूर्ण है, तो जिला अध्यक्ष या तो खराब है या तो विधायक है, ये कोई दूसरा आरोप नहीं लगा रहा। ये कारण इसलिए है काव्या जी, ये समझने वाली बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ इनके झगड़े से, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो 3 मुख्यमंत्री बदल, 2 मुख्यमंत्री बदल के मुख्यमंत्री ला आपके विधायक ने आप रोका क्यों नहीं आपने है? आप इसका कारण नहीं की बौखलाहट की वजह से, जो कि भाजपा के लोगों को और भाजपा के साथ ही हमारे जानते आपने रोका नहीं गया, आपसे इतना मुश्किल है और चुनाव के 2-3 महीने हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा के अंदर जिस तरह की गुड़बाजी ये पहली नहीं है, आपने देखा होगा चैंपियन और कर्णवाल के बीच जिस तरह से भाई आप अपने गुड़बाजी देखो हमारे में क्या जा रहे हो, की बात जी अपने गुड़बाजी देखो पंजाब जाके, हमारी मत देखो राजस्थान जाके देखो, जिस तरह से आप ना टीका टिप्पणी करें, भारतीय जनता पार्टी का जरूरी मामला है। उन्होंने कहा कि कऊ साहब से हमारी मुलाकात भी होती रहती है, बात भी होती रहती है, हमारे पुराने नेता हैं, पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला हुआ है। क्या समझूं कि भारतीय जनता पार्टी से कऊ साहब की नाराजगी को देख करके कांग्रेस उन्हें अपने दल में शामिल कर लेगी? तो बहुत सारे लोग भागने के लिए तैयार है, इनके 57 में से 57 के विधायक भागने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस ये तय करेगी किसको लेना नहीं लेना है, कौन जीत सकता है, कौन पार्टी के साथ दोबारा दगा न करे, लॉयल्टी के साथ, ये सारी चीजों पर हाई कमान ने इससे फैसला लेना। लेकिन निवेदन करूंगा क्यों मैं कि आप मेरी पार्टी के विषय में ना कुछ लाइक आपको बोलने का है, लेकिन जरूर कह सकता हूँ कि भाजपा के अंदर जो हमारे साथी गए थे, जिस तरह से आप देखो इनके कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, तो उन कार्यकर्ता जो कांग्रेस ने जिन्हें सम्मान दिया उनका अपने कार्यकर्ता देखो चले गए, आपके लगे पहले से जाने वाले उनको देखो, 22 में चले गए आप उधर देखो जाके, हमें मत देखो। भटनागर साहब प्रीतम सिंह जी का लगातार संपर्क बना हुआ है उमेश शर्मा कऊ से, वो कह रहे हैं कि पुराने नेता हैं, नाराज अगर हुए भी हैं तो कोई बात नहीं, राजनीति में कोई किसी के लिए दरवाजा नहीं बंद कर देता है, हमने भी दरवाजा बंद नहीं किया है, चाहेंगे तो वापस आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी है किसी के धमकाए में और किसी के अकड़ में नहीं आती है, जिसे मैं भी क्यों ना हूँ, जो जाना है जाओ, जो आना है आओ, यही 57 विधायकों की बात कर रहे हैं। अरे पहले हरीश रावत जी जो रोकी ना, जो पंजाब भाग रहे बार बार हमें उपदेश दे रहे हैं बैठ के, आपका क्या मतलब है हमारी पार्टी को उपदेश देने का? 57 विधायक ला रहे, बताइए ना कब ला रहे हैं आप? आप अपनी हिम्मत दिखाइए, हम तो आपकी हिम्मत देखने को तैयार हैं। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, लेकिन अब रुक जाइए, अभी सियासी जग में केवल दो नहीं है ना, वो उत्तराखंड अब नहीं रहा जहाँ केवल 2 राजनीतिक दल सियासत करते थे, अब तो तीसरा भी आ चुका है।
संगठन कोई हो, पार्टी कोई हो, सभी चलती रहे। आप गलत गुरु ये आम बात है, आप गलत फेमी की सितारे बनना चाहते हैं। आप हमने दुनिया भर से पंजाब पर देखा है रोड पे ये जो आके यहाँ बैठ के उपदेश दे रहे हैं, आज अपने संगठन के बारे में बताएं। ये उत्तराखंड में इन्होंने कुछ किया नहीं, ये जो भ्रष्टाचार बता रहे थे अभी, जी एक भ्रष्टाचार बताइए उत्तराखंड में क्या हुआ। जो उत्तराखंड के जनता जी के मैं भ्रष्टाचार में बता देता हूँ, जो जनाब यहाँ बैठ के भ्रष्टाचार बिना अपमान किया है, बताओ सुनिए, सुनिए तो मैं सुनिए, मैं तो आप सुनिए, बताओ जी कोई क्यों बोला करते हैं हमारे नेता है उत्तराखंड के, बटोला जी सुनिए, बटोला जी सुनिए, बटोला जी सुनिए, बटोला जी का आवाज आ रही है मेरी, बटोला जी बीच में नहीं बोला करते हैं, इलाके बेरोजगारी, बटोला जी प्लीज आप हमारे सम्मानित नेता है उत्तराखंड से अगर आते हैं तो सुनिए, सुनिए भटनागर साहब की बात सुनिएगा जरा, उसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद कहिए प्रदीप जी अपनी बात। नहीं इन्हें बोले दो, ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, जो ये भूमि पे इन्होंने भ्रष्टाचार का कलंक लगाया है, महिला उत्पीड़न का जो कलंक लगा दिया इन्होंने, हाँ। जो यहाँ पर आप देखो बेरोजगारी से लेकर के आप पलायन का जो इन्होंने यहाँ पे दंग, नहीं मैं इसीलिए लगभग जी पूछ रही हूँ क्योंकि अभी तक तो आप दोनों थे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार चला लेते थे, अब जब सियासत के मैदान में नया दल उतरा है उस पर अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं है, आप उसका दिल्ली से कंपैरिजन कर पाएंगे उत्तराखंड वासियों के साथ, अभी तक उनका कोई धोखा नहीं सामने आया, जिस कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है वो पहले से ही सेना का अधिकारी रह चुका है और समाज सेवा में सबसे आगे नाम पर जाना जाता है। ये प्रदीप जी मैं थोड़ा सा मैं साबित करना चाहूंगा कि बटोला जी को थोड़ा समझाइए कि डिबेट चल रही है, बहस भी चल रही है, तो ये बहसबाजी ना करें, डिबेट को डिबेट की तरीके से करें, अगर मेरा टाइम बोलने का तो मुझे बोलने दे, बीच में डिस्टर्ब ना करें, और आपका टाइम होगा तो पूरा सुनूंगा। अभी जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैं तो चाहूंगा कि मुझे एक दो भ्रष्टाचार बताएं आप उत्तराखंड में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है, और अगर नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ हरीश रावत जी की सरकार में क्या हुआ, मुझे सब कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये जो महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न में हमें पता है कि उत्तराखंड में किस सरकार ने कितना अच्छा काम किया, क्या नहीं किया, ये वो लोग बैठे जो आपदा आई थी केदारनाथ आपदा जो आई थी। प्रदीप जी आप यहाँ पर रोकूंगे क्योंकि प्रदीप जी के पास जाऊंगे, उनकी बात को पूरा करवाऊंगे, प्रदीप जी अपनी बात पूरी करेगा। घटना बताई सब की बहुत दुखद है और मैं इसकी संवेदना देता हूँ आसाम के लोगों को, प्रभु उनके जितने भी हताहत हुए उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि मैं बात कर रहा था उत्तराखंड की बात कर रही थी, मैं उत्तराखंड के विषय में बताऊँ, मैं तो अगर जो मेरे विपक्ष में रहते फिर तो मुझे बता दें कि क्या वहाँ पे घोटाला हुआ, क्या सरकार ने करा, तो नहीं हूँ तो मैं बता सकता हूँ इनके सरकार निकाल पहले से। देखिए जो आप उपचुनाव आ रहा है, अब तो इधर भागना उधर भागना भागना नेताओं का चलता रहता है, ये कोई आज की बात नहीं, मगर आपको राइट नहीं बनता किसी की पार्टी के विषय में इतनी लंबी टीका टिप्पणी करनी। आप विपक्ष में ठीक है, आप विपक्ष की तरह आप अपना अख्तियार कीजिए, बोलने को मेरे पास भी बहुत स्टेटों के लिए बहुत कुछ है, जो क्या चल रहा है उत्तराखंड में तो कुछ भी नहीं है, अरे बहुत मामूली सी चीजें चल रही है, हम तो पंजाब देख रहे हैं कि पंजाब में कि जनता निर्णय ले नहीं पा रही कि हम बिट्टा जी की तरफ जाए या कैप्टन साहब की तरफ जाए, और यही हाल राजस्थान का है अगर चले तो। प्रदीप जी आप भी टीका टिप्पणी ही कर रहे हैं दूसरे के राजनीतिक दल में, समान सी बात है, वो आपका विपक्षी दल है, आपके राजनीतिक दल पर टिप्पणी करेगा, अगर उसे लगेगा कि अंदर खेमे कुछ खिचड़ी पक रही है तो टिप्पणी तो करेगा ना। मैं तो बटोला जी को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको विधायकी की इतनी चिंता थी तो जब ये कांग्रेस छोड़ के गए तो रोका क्यों नहीं गया, और ये 57 विधायक की जो बात कर रहे हैं उनको छोड़ करके आ गए तो आपके पास आए हुए आप संभाल नहीं पाए, ऐसा कुछ है क्योंकि नाराजगी तो इसी बात की है कि 5 साल में उनकी कीमत आप नहीं समझे, उनकी वैल्यू आपने नहीं की, जो उनको चीजें चाहिए थी जिसकी वो अधिकारी थी वो आपने नहीं दिया। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, अपनी शुभेच्छा से आए ना कि बुलाया गया है, ऐसा नहीं करा है आके उन्होंने, ये अपनी शुभेच्छा से आए और माननीय विधायक हमारे देखिए कार्यकर्ताओं को जोड़कर एक राजनीतिक दल बनता है, अगर आप एक भी नेता को उससे इतर करके ये कहना चाहते हैं कि कोई आकर के हमारे पर एहसान नहीं करता तो आपका राजनीतिक दल नहीं होता, ये कोई संगठन नहीं बन पाता। काव्य जी मैं 10 सेकंड आपसे, देखिए भारतीय जनता पार्टी है अनुशासित पार्टी है और हमारे जो आदरणीय विधायक भी है जो दूसरी पार्टी से भाजपा में आए, देखिए उसमें संबंध में बड़ा समय लगता है, भाजपा में बड़ा पहले कार्यकर्ता बनना पड़ता है, आप विधायक ठीक है बिल्कुल आप विधायक थे, मगर सबसे पहले प्रथम कार्यकर्ता बनना है और वही जिम्मेदारी की बात, जिम्मेदारी बहुत देख के दी जाती है किसको क्या देनी है। विधायक जी हमारे हमारे यहाँ विधायक बने, कार्यकर्ता विधायक छोड़ के आए हमारे यहाँ विधायक बने, हमने उनका स्वागत किया और अभी स्वागत करते हैं, नहीं ऐसी बात, मगर संगठन की जहाँ अनुशासनहीनता की बात है कि उसमें कोई कॉर्पोरेट कंप्रोमाइज नहीं किसी प्रकार का भी, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ और अन्य कार्यकर्ता क्यों ना हूँ, वो विधायक से पहले कार्यकर्ता बने, कार्यकर्ता से फिर विधायक बने,
विधायक बनने के बाद समाज और जनता में रहना है। ठीक है लखपत जी, उनका कहना है कि संगठन में राजनीतिक दल के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ता, पहले आप कार्यकर्ता बनेंगे उसके बाद आप कुछ और बन सकते हैं। पार्टी का कैसा चाल चित्र चेहरा है, कर्णवाल और आप चैंपियन प्रणव कुमार चैंपियन के बीच किस तरह की गाली गलौज से लेकर हाईकोर्ट तक मामला गया, दो बार विधायक पार्टी से निकाले गए, 15 दिन में फिर पार्टी में लिए गए, तो किस तरह के इनके फैसले, किस तरह से पार्टी है ये उत्तराखंड की जनता ने देखा है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि किस तरह की पार्टी है कि इनके प्रदेश मुख्यालय में मंत्री के सामने एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, किस तरह की पार्टी है कि इनके प्रदेश मुख्यालय में संगठन मंत्री पे इनके कार्यकर्ता महिला बलात्कार का आरोप लगाती है, इनके 4 विधायकों पे हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं और एक महिला 3 मुख्यमंत्री उसे कह रही है कि भाई मुझे DNA करवा दीजिए विधायक जी का, मेरी लड़की के पाप में विधायक जी, लेकिन विधायक जी भागे भागे इनकी पूरी सरकार बचाने में लगी। इनका चाल चरित्र चेहरा उत्तराखंड ने देखा कि कुंभ के अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, देवभूमि में देव कुंभ 12 साल में आया, उत्तराखंड के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, 1,00,000 से ज्यादा फर्जी RT-PCR टेस्ट करा दिए, आपने देखा होगा विकलांगों के लिए कर्मकांड बोर्ड में जो दिव्यांगों के लिए विकलांगों के लिए जिस तरह से उस धनराशि को 100 करोड़ रुपए का लूट खुली लूट मचा दी, ये सब ने देखा है कि किस तरह से इनकी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही, किस तरह से उत्तराखंड में आज मैंने इनको आंकड़े दिए कि प्रदेश आज 66,000 करोड़ के कर्जे में डुबा दिया है, ये इन्होंने डबल इंजन का इनका काम है, प्रदेश आज बेरोजगारी दर पे नंबर 2 पे है, 4% बेरोजगारी दर 2017 में थी, आज 23% चले गई, हिमाचल राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, ठीक है, उस कोरोना में मरने की सबसे ज्यादा दर। अभी के राजनीतिक दल तक बात करते हैं, जन समस्याओं की बात जो है वो चुनाव पर जब चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। प्रदीप भटनागर जी, अब से लास्ट सवाल लूंगी क्योंकि समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। छवि पर असर पड़ता है किसी भी राजनीतिक दल के, अगर उसके विधायक सांसद उसके पार्षद अगर कहीं नाराजगी गाली गलौज करते लड़ते झगड़ते नजर आते हैं, तो आपके यहाँ तो जो वन मंत्री के पद पर बैठे हैं हरक सिंह रावत जी, वो सीधे तौर पर खुल करके कह रहे हैं कि अगर काऊ भैया ने बोल दिया कि हमें तुम्हारा साथ चाहिए तो हम साथ देंगे, क्योंकि जब हमने कहा था कि कांग्रेस में हमको दिक्कत हो रही है तो काऊ भैया हमारे साथ खड़े हुए थे। अब बताइए, आपके तो मंत्री साहब ही आपकी नियत पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी छवि नहीं खराब होगी 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल देना, इससे बड़ा असर पड़ा, राज्यपाल ने 3 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया, कहीं ना कहीं छवि पर तो असर पड़ता है ना, छवि तो आपको सही करनी पड़ेगी अपनी। देखिए वन मंत्री जी भी जवाब देंगे बैठ के चीज के बारे में, एक विषय पे बोला तो आपने क्यों बोला है पहले से, और जो विधायक जी ने गलती करी उसको भी बताना पड़ेगा जी। मंत्री और विधायक का बहुत फर्क है, विधायक के बाद अगर मंत्री और जिम्मेदारी मिलती है उसको जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए ही मंत्री बनाया, और रही क्या नाम है, देखिए वोटों की बात, वोट जो है वो जनता का काम है, उत्तराखंड के जितने भाई बहन मेरे मित्र हैं ये वो उनका निर्णय लेने का काम है, सरकार कौन आएगी विधायक कौन बनेगा ये तो निर्णय उनपे है, कहने के मंत्री जी के कहने से कुछ नहीं होता। मंत्री जी एक हार्ड मास के इंसान है, हमारी तो आपकी तरह, और वादा और वादा खिलाफ ही जनता देखती सबसे चीज पहले चीज, और दूसरी चीज हार्ड मास की तो है, लेकिन मंत्री जी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, कुछ विचारधाराओं को उन्होंने समाया होगा अपने साथ तब वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं। मंत्री जी अगर बिल्कुल दल से विपरीत जाकर के बयान दे रहे हैं इसका मतलब है कि मंत्री जी नाराज हो रखे हैं, वो भी तब जब उन्हें मंत्री का पद दे रखा है, वन मंत्री हैं वो, तलब कर लिया गया इसी विषय को लेके, और बैठ के दिल्ली जवाब देंगे। यहाँ नहीं है कि यहाँ पे 24 करोड़ या कोठी पे जाना पड़ेगा, सोनिया जी और राहुल जी के आगे पेश होना पड़ेगा, यहाँ नहीं है, यहाँ संगठन सिस्टम है और इसके विभिन्न मुखिया है भारतीय जनता पार्टी में जिनके यहाँ के जवाब देना पड़ेगा, यहाँ तो एक परिवार, यहाँ परिवारवाद नहीं है, एक गांधी नाम का बैठेगा और वही बताएगा क्या होना है, या तो समिति आपके ही नेताओं की नाराजगी पर जवाब मांग रही हूँ और आप कांग्रेस पर पता नहीं कहाँ से पहुँच रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ही के नाराज नेता हैं उनका क्या, हमारे मंत्री नाराज है हाँ, तो उनकी नाराजगी दूर की जाएगी दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ चीजें हैं जो निकल करके सामने आ रही है, नाराजगियां जरूर है, अब ये कहा जरूर जा रहा है कि नाराजगियों पर काम किया जाएगा, मान मनोवल किया जाएगा, और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो आने जाने का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि असर क्या कुछ इसका उत्तराखंड की सियासत पर पड़ता है।